मुझे किसी ने बताया कि इनका प्यार में कुछ गड़बड़ हो गया है और वो ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं। ऐसा ही कुछ हो, धोखा हुआ इसके साथ। अच्छा ताई, इसका प्यार होता है लेकिन वो लड़की किसी और के साथ चले जाती, चली जाती है और जाती है किसी और के साथ भुट्टा खा लेती है। तो थोड़ा कुछ इसको बताए ना प्लीज ताई। झुका के सर को बोलो मैडम हाउ डू यू डू, जब वो कहे हाउ डू यू डू बोलो आई लाइक यू आई लाइक यू। झुका के सर को बोलो मैडम हाउ डू यू डू हाउ डू यू। ऐसा जब बोलोगे तो लड़की कभी कहीं नहीं जाएगी। आए, आओ ताई, भगवान करे लड़की अब और कहीं ना जाए और भुट्टा इसी के साथ खाए। मैडम आई लव यू कभी नहीं बोलना, आई लाइक यू बोलना। आई लाइक यू। सर अक्तिम क्या बोलेगा तू पहले? पहले ये करूंगा, झुका के सर झुका के क्या बोलेगा? How do you do? उसके बाद अगर वो स्माइल किया तो फिर I like you। उसने बोला I like you। ऐसा बोलेगा I like you? ऐसा नहीं बोलेगा I like you। रखते स्टाइल स्टाइल स्वैग। ट्राई ट्राई स्वैग ट्राई कर। I like you। सुनो How do you do? How do you do? I like you। I like you। Sensuous, sensuous. ऐसे निकालेगा तभी भुट्टा पकेगा बेटा, समझ बात को। एक बार जोरदार ताली हो जाए यार, क्या बात है रखते। मेरा एक सवाल। हाँ बोलिए ना। तो आप अभी ये जो प्यार वाली बातें और अंदाज, लेकिन आपका गुस्सा बहुत तेज है, आप हेडस्ट्रॉन्ग भी हैं और बर्मनदा भी हेडस्ट्रॉन्ग थे, आपका कभी झगड़ा होता था? नहीं, मैं कभी थी बहुत गुस्से वाली, अभी नहीं गुस्सा करती। दुनिया देखने के बाद नहीं नहीं करती। गुस्सा एक बार हुआ था और मैं 8 दिन 15 दिन मैं अपने घर, मतलब पेडर रोड पे मैं जाके, मेरे बच्चे हैं अपने वहाँ पर, तो उनका घर छोड़ के मैं बच्चों के पास चली गई। 15 दिन के बाद ऐसे गाने के लिए मिलेगा, मतलब ये बिजनेस हमारा, मतलब मैं सिंगर और वो म्यूजिक, वैसे मिले तो हम लोग मुंह चढ़ा के बैठे हुए थे दोनों। हाँ बोलो क्या गाना गाना है? हाँ लिखाओ, मजरू साहब लिखा रहे थे गाना। हाँ देखो क्या। उतने में एक रिकॉर्ड बजा मतलब रेडियो में, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। हमने एक दूसरे को देखा और हम लोग भूल गए। अब मेरे आंख से आंसू, उसके आंख से आंसू। बोले क्यों हम झगड़ा करते हैं? मतलब क्यों करते हैं? खाब खाब कुछ नयापन चाहिए इसलिए शायद झगड़ा करते हैं हम लोग। आज ये गाने का मीनिंग मेरे लिए और भी गहरा हो गया है। म्यूजिक डायरेक्टर देखिए टू होते हैं, दो होते हैं, दोनों अलग हो जाते हैं तो दोनों के नाम खत्म हो जाते हैं। करेक्ट। वैसे सब जीवन ऐसा ही है, जो मिले हुए लोग होते बिछड़ने नहीं। क्या बात कही है यार, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए ताई के लिए। थैंक यू ताई, थैंक यू सो मच ताई। अपेक्षा, मैंने माधुरी दीक्षित, श्रीदेवी, रेखा, उनके लिए गाने गाए हैं और क्लासिकल डांस मुझे बहुत पसंद है। मैं जो गाती हूँ उस पर आप थोड़ा सा, आपका एक्सप्रेशन कैसे आता है, अरे वाह, वो मैं ये करना चाहती हूँ। क्या बात है, ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। दिस इज अ टास्क
My God, this is the ultimate test. This is the test. Apeksha, ultimate test. क्या बात? दिल चीज क्या है आप मेरी क्या बात? जान लीजिए दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए बस एक बार मेरा कहा बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए बस क्या बात है इधर आओ रोंगटे खड़े हो गए हमारे ओ पापा मुझे एक बात बताएं मतलब कितना बड़ा दिन है आशा ताई ने गाया और आपकी बिटिया जो है इन्होंने परफॉर्म किया क्या कहना चाहते हैं आप मैं आशा जी आपका बहुत बड़ा फैन हूँ मैंने आपके बहुत सारे गाने सुने हैं एक मेरा फेवरेट सॉन्ग भी है चुरा लिया है तुमने जो दिल को नजर नहीं चुराना सनम बदल के मेरी तुम जिंदगानी कहीं बदल ना जाना सनम मैं एक शब्द कहना चाहूँगा आज आप मेरे डॉटर के लिए जो गाना गाया है मेरे लिए और पूरे सिंधी समाज के लिए प्राउड मोमेंट है क्या बात थैंक यू सो मच क्या बात है एक बार जोरदार तालियां ताई के लिए मेरा सवाल ताई से है ताई आपने जितने गाने गाए हैं ऐसा लगता है वो उस आर्टिस्ट के लिए ही बना था क्या होता है कि हमारे पास जब गाना आता है वो लिखाते हैं हमको जी तो लिखने के बाद हमें मतलब समझ आ जाता है कि ये प्यार का है डांस का है किसका है क्या है सब गाना तो वो गाना पढ़ने के बाद हम 5-6 बार गाना पढ़ लेते हैं फिर वो गाना पढ़ने से उसका मतलब समझ लेते हैं अब मैं सोचती हूँ कि आपके आर्टिस्ट का क्या है कौन से जगह पर गाना गा रही हैं जैसे हेलन का गाना आया अभी तो मैंने हेलन जी बहुत अच्छा प्यार करती थी मेरे से जी। और मुझे कहती थी आशा जी ये मेरा गाना है हाँ मैं आप आइए मैं आपके लिए चॉकलेट लाऊंगी सेम सेम गाना था प्रिंस अकेले हो ओ वाओ आपने क्या अभी तक शादी नहीं की प्यार भी नहीं किया कर ले प्यार कर ले के दिन है यही अरे चोरी से देखे डा 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 तो ये हाय प्रिंस ये बोलना उन्हीं के मुंह से अच्छा लगता था वो गाती है ना तो आप पिक्चर देखेंगे तो आपसे लगेगा कि वही गा रही है करेक्ट मैं नहीं गा रही ऐसे होता है हम उसके जगह पे चले जाते हैं वैसा डांस अंदर होता है या वैसे सैडनेस अंदर होती है आंख से पानी निकलता है वैसे भी होता है अभी मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है हो सावन के कुछ भीगे भीगे दिन रखे हैं हो और तुम्हारे
सामान लौटा दूं। ये भी गाते हैं और ये भी गाने गाते हैं कि आ जा ऐसा भी करता हूँ। तो उस जगह पे हम चले जाते हैं, उस कैरेक्टर में घुस जाते हैं, उसका चेहरा सामने लाते हैं। और रेखा है, ओ माय गॉड, वो मधुबाला है, ओ श्रीदेवी है, ओ ऐसे करके हम उन जिनके गाने गाते थे मधुबाला के, अच्छा जी मैं हारी चलो माने जाओ ना, मतलब अच्छा वो हंसती थी कैसे, करेक्ट, उसका हंसना बहुत सुंदर हाँ। था तो वो हम याद करते, अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना yeah. तो क्या एक्सप्रेशन ऐसा देना चाहिए कि जो गाना कहता क्या है हाँ। तो वो हम करते थे, हर गाना फ्लेवर अलग होता है उसका हाँ, अलग अंदाज अलग होता है। सुपर्ब यार, थैंक यू ताई। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।